the morning, we have lots of things to do. Your sleepy time is ended, the day starts all brand new. ये स्कूल है मिस्टर अर्जुन, कोई शर्म की बात नहीं है. और दिस इज नॉट सुबह सुबह, दिस इज 8 o'clock. 8 o'clock सुबह नहीं है तो क्या दोपहर है? हाँ, ये सिखाती है आप बच्चों को कैसे पड़ोसियों को परेशान करना है? दिस इज सच ए राउडी बिहेवियर मिस्टर अर्जुन, हाउ डेयर यू कम एंड डिस्टर्ब अस लाइक दिस. अरे फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मैं राउडी बिहेवियर पे आया ना तो क्लासरूम को धोबी घाट बना डालूंगा मैं. मेरा नाम मिसेस लॉरेंस है, फ्लोरेंस नहीं. अरे लॉरेंस हो या फ्लोरेंस हो, क्या फर्क पड़ता है, मैनेंस तो है ही ना. ए बेवड़े, कौन बोला? कौन बोला मेरे को बेवड़ा? कौन बुलाया मेरे को बेवड़ा? कौन तू बोला ना? ए ड्राइंग, तू बोला ना? गैंग लीडर है तू इधर का, गैंग लीडर है ना. देखता हूँ साला तेरे को मोटा. That's enough, Mr. Arjun. Please leave. Or I'll have to call the security. तुमको पता नहीं मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ. बंद करवा दूंगा ये स्कूल को. All the best, Mr. Arjun. Please go for now. I'm leaving now, but coming back to closing. Okay, go. From Lawrence of Mumbai, I'm making you Lawrence of Arabian Horse. Don't worry, I'm coming. अबे तेरे को तो देख लूँगा मैं. बड़ा तू तेरा बाप. मंत्री जी, ये जो संविधान के तहत आपने बिल पास किया है उसके लिए मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ आपका. बहुत बहुत धन्यवाद. ये मेरा काम ही है. एक्सक्यूज मी सर, एक रिक्वेस्ट है सर. हाँ क्या अर्जुन? रिक्वेस्ट है सर, एक रिक्वेस्ट है. अबे वही तो पूछ रहा हूँ, क्या रिक्वेस्ट है बताना बेवकूफ. एक मिनट ना सर, इधर गया ये देखो. मजा आ गया अर्जुन, दिल खुश कर दिया तुमने. एक बात बताऊं, हमेशा मेरी मीटिंग के बाद ना ऐसे ही वीडियो दिखाया कर, वेरी नाइस. नहीं 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 सर, आप समझे नहीं सर, ये बिल्कुल पागल बच्चे हैं सर. सारा दिन शोर बचाते जंगली हैं सर ये. बच्चे हैं, शोर कुछ नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे. अरे सर आप कनेक्शन समझे नहीं, मैं जिस घर में रहता हूँ ना उस घर के नीचे एक बड़ी वाहियात सी नर्सरी है जहाँ ये बच्चे सुबह शाम शोर मचाते हैं सर. मेरी जिंदगी हराम कर दी सर इन्होंने. एक मिनट, तू कहना क्या चाहता है अर्जुन? सर आप एजुकेशन मिनिस्टर है, आप कुछ भी करके इस स्कूल को बंद करवा दीजिए सर. अबे ढक्कन, एजुकेशन मिनिस्टर हूं तो क्या स्कूल बंद करवा दूं? हमारा काम है बच्चों को एजुकेशन देना, ना कि उनसे एजुकेशन छीन लेना. पागल हो गया तू? देख भाई चुपचाप अपना काम कर और मेरी टेंशन मत बढ़ा. तू जानता है ना तू इलेक्शन सर पर है, मेरी बैंड बजवाएगा क्या? चल जा अब यहां से. कुछ करना पड़ेगा.
के बच्चों को कोई इस तरह से तंग करता है? मिसेस लॉरेंस, इनका फोन आया तो मुझे लगा कोई शैतान होगा। ये तो आप निकले। अरे देशपांडे साहब, आप जानते नहीं है, शैतान मैं नहीं, ये बच्चे हैं। मेरा जीना हराम कर दिया इन्होंने। क्या अर्जुन सर, आप सिक्योरिटी का जॉब करते हैं और ऐसा काम कर दो। देखिए, इस बार मैं कोई ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं लिख रहा हूँ, अगर अगली बार ऐसे हुआ तो मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? मिसेस लॉरेंस, डोंट वरी, मिस्टर वशिष्ठ आपको अगली बार कंप्लेंट करने का मौका नहीं देंगे। नहीं दूंगा, अगली बार तो मौका ही नहीं दूंगा। देखा देखा आपने, फिर शुरू हो गया। क्या मैंने क्या कहा? यही कहा कि अगली बार कंप्लेंट का मौका नहीं दूंगा। सब पता है मुझे, आपके चेहरे से तो नहीं लगता। डोंट मिसबिहेव। एक मिनट मिस्टर वशिष्ठ, आप अभी के अभी मिसेस लॉरेंस को सॉरी बोलेंगे। अरे कितनी बार बोलूं सॉरी, बॉम्ब थोड़ी फेंका, फुग्गा फेंका मैंने। आप अभी के अभी सॉरी बोलेंगे। सॉरी, दैट्स गुड। वो साला मेरे को डिस्टर्ब किया चलेगा, मैं फुग्गा फेंका तो शैतान, अब तो ये रमी है जो मिसेस लॉरेंस का कम। किधर है? किधर वो? How dare you, Mr. Arjun? How dare me? नहीं, how dare he? Who? He? किसने लिखा है? कहाँ है तू? तूने लिखा ना? साला बड़ा हीरो बनता है। तूने लिखा ना बेवड़ा? साला हाँ बोलता है। तेरा नाम संतोष है ना? हाँ संतोष होना चाहिए। देख कितना खाता है, कितना मोटा हो गया। हाँ? क्या देख रहा है गुर गुर के? हाँ तो पीता हूँ मेरे पैसे से पीता हूँ। हाँ तो मैं किसी और के पैसे से नहीं खाता, मेरे फैमिली के पैसे हैं। अच्छा, मेरे फैमिली के पैसे? कुछ माँ बाप के लिए छोड़ता है या पूरा खा जाता है? अंकल आप जल्दी सोते नहीं, इसलिए जल्दी उठने में प्रॉब्लम होती है। मेरे को सिखा रहा है बेबी एलिफेंट? साले गर्म हवा के फुग्गे ऐसा पीन मारूंगा फूट जाएगा। मेरे पास मेरे दादाजी की लकड़ी है, लेकर आओ आपके लिए। ए, दादाजी की लकड़ी तो संतोष है ना? इतना असंतोष क्यों फैलाता बेटा? इसमें मैं क्या करूँ? ट्रबल ओल्ड मैन फॉर हैरेसिंग यंग चिल्ड्रन, कॉप्स आर कमिंग टू अरेस्ट यू। अरेस्ट मी? पहले इस मोटे को बोलो जो मेरे दरवाजे पे लिखा है ना, वो जाके पहुंच के आए। मैंने नहीं लिखा, झूठ बोलता है बुड्ढा। बुड्ढा बोलता है साला, ऐसा बजाऊंगा ना कान के नीचे। लगता है मंत्री जी ने मुझ पर तरस खाकर स्कूल को बंद कर दिया। आज से नर्सरी बंद है, आज से नर्सरी बंद है। जो लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि घटनास्थल से हमारे संवाददाता लगातार इस घटना से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशासन और अग्निशमन विभाग भी घटनास्थल पर मुस्तैद है। काफी लोगों की हताहत होने की खबर है और अभी भी मिली जानकारी के हिसाब से हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि दो अलग अलग ट्रेनों में दो अलग अलग बम विस्फोट हुए हैं। मिली जानकारी के हिसाब से संख्या 100 से भी बढ़ सकती है। मरने वालों में नर्सरी स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब उधर चलिए, मुझे बहुत खून बह रहा है डॉक्टर साहब। भाई वो
स्कूल के बच्चे थे, बॉम्ब ब्लास्ट में घायल हो गए। कहाँ हैं वो लोग? न जाने कितने बूढ़े और कितने बच्चे घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा बच्चे ऊपर वाले रूम में, आप जाके ऊपर देख लीजिए। ठीक हो जाएगा ना? इसका राइट पैर काटना पड़ा है हमें। रेल के डिब्बे के नीचे फंस गया था, काफी खून बह गया है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्लड बैंक में इतना खून भी नहीं है जितना इसका बह गया है। चलो चलो वार्ड बॉय, जल्दी करो। डॉक्टर साहब ये ठीक है? संतोष, ए मोटे, ये क्या है यार? बेवकूफ बना रहा ना मुझे, साला कमीना तू। मैं जानता हूं तू अभी उठेगा और हंसेगा मेरे पे और फिर अपने दोस्तों को कहेगा कि कैसे बेवकूफ बनाया बेवड़े को, है ना? ए संतोष, चल यार, चल। तू जीत गया, मैं हार गया। तू हीरो, मैं विलन। चल आगे को, चल जल्दी कर। संतोष, दास, जो लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि घटना Azadi has claimed responsibility of the attack. Thankfully, the Mumbai police has been able to catch a terrorist alive. We don't know his name yet, but we will update all our viewers on the same very soon. This Lahore-based political party has been led by the aggressive Hafiz Saleem. They have been running freely in Pakistan for over a decade. मुजरिम अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहेगा? जब आपने मेरे लिए मौत की सजा का फैसला तय कर ही लिया है तो फिर मैं अपने डिफेंस में क्या कहूं जज साहब? या फिर अगर आपने ये फैसला ना भी लिया होता तब भी मैं क्या कह पाता? मैं तो बस इस शतरंज के खेल का एक छोटा सा सिपाही हूं। मैं तो यहां आया ही था मरने के लिए। आपको एक ही मौका दिया जाएगा यहां बोलने का, जो कुछ बोलना है साफ साफ बोल दीजिए। यही तो दिक्कत है जज साहब, मैं कह रहा हूं लेकिन
आप लोग समझ नहीं पा रहे, ये जो आपका मुल्क है ना, ये भारत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ये सिर्फ मुझ जैसे प्यादों को सजा दे सकता है और कुछ नहीं कर सकते आप लोग। आप लोग अपने आप को एक दुनिया की एक ताकतवर लोकतंत्र समझते हो, है ना? बहुत ताकतवर। कुछ ताकत नहीं है आपके मुल्क में, खोखला है आपका वतन, खोखला। हम पाकिस्तानी जब चाहे बॉर्डर पार करके यहां आ जाते हैं और आप लोग कुछ नहीं कर पाते, जब चाहे अपनी मर्जी से यहाँ के तबाही मचा जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है। अरे आप लोगों ने वहां पाकिस्तान में बैठे एक शख्स को भी नहीं पकड़ा है अब तक, बताओ। सॉरी, पर हमारे टीवी एक्टर्स और क्रिकेटर उनके साथ आप लोगों ने काम करना छोड़ दिया। मतलब आप लोगों का बदला सिर्फ हमारे टीवी एक्टर्स और क्रिकेटर्स तक ही आकर खत्म। और हाँ, जब मामला आपकी हुकूमत के लिए ज्यादा बढ़ जाता ना, तब आप छोटे बच्चों की तरह अमेरिका के पास जाते हो और कहते हो, देखो देखो पाकिस्तान ने मारा, ये है आपके मुल्क की सच्चाई। क्यों बे बेवड़े, बहुत खुश है ना तू? हम सारे बच्चे मर गए, अब तुझे सुबह सुबह डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, तू चैन से अपनी खोखली जिंदगी जी सकता है। बेचारा अर्जुन मिसिस्ट, बच्चों की मौत से सुकून मिलता है ना उसे? एक वक्त पे तो क्या सॉलिड हुआ करता था यार, और अब देख अपने आप को, बेचारा। भगवान भी अजीब है ना अर्जुन, तेरे जैसे को जिंदा छोड़ देते हैं और बच्चों को अपने पास बुला लेते हैं। शायद ये दुनिया तुम जैसे निकम्बों के लिए ही बनी है ना? मुझ में कहीं है तू ही रवा, थामे मुझे है खड़ा, तकदीरों से क्या गिला करूं, मुजरिम मैं खुद हूं मेरा, मेरे खुदा तू है कहां, मेरे खुदा तू है कहां, मुझ पर अता कर तेरा करम, मुश्किल राहें गर तेरी हौसलों में है बुलंदी, यूं तो खामोशी भी सुनती, छाव भी धूप से जलती, मेरे खुदा Our previous caller was absolutely right. ये इंडियंस का काम ही है कि हर इल्जाम पाकिस्तान पर डालें. And who knows who this Amir Sheikh is? I'm sure he's obviously lying about being from Pakistan. इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि वो अपने हर फेलियर के पीछे पाकिस्तान को ही जिम्मेदार बताते हैं. हाफिज साहब, सर आपकी पार्टी पर ये इल्जाम है कि आप लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं हमारे पास वाले देश के साथ. Now, sir, you being a very prominent and famous politician from Pakistan, आपका इस बारे में क्या कहना है? हिंदुस्तान वैसे ही तबाही की दहलीज पर खड़ा है, कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क का, कोई फ्यूचर नहीं है इसका। और ये टेररिज्म क्या होता है? हमारी जंग मजहब की जंग है, हम आजादी चाहते हैं, दहशत नहीं। लेकिन अगर हमारे मासूमों का खून बहेगा तो उनके मासूमों का भी खून बहेगा। वेल, वी हैव आवर नेक्स्ट कॉलर ऑनलाइन और ये है मिस्टर सलीम कादिर फ्रॉम इस्लामाबाद। जी सलीम जी, अपना सवाल पूछिए हाफिज साहब से। हेलो मिस्टर कादिर, आप लाइन पर हैं? मैं
हफीज साहब से कोई सवाल नहीं करना चाह रहा, बस जवाब देना चाह रहा हूं। किस बात का जवाब देना चाहते हैं मुझे? मेरे मुल्क में जो हरकत की है आज तुमने, उस हरकत का जवाब देना चाह रहा हूं। एक्सक्यूज मी, ये किस मुल्क की बात कर रहे हैं आप? कौन बोल कौन रहा है? एक हिंदुस्तानी जिसके वतन में खून बहाने का जश्न मना रहे हैं आप आज टीवी प्रोग्राम पर। हफीज सलीम, अगर तू ये सोचता है कि पाकिस्तान में बैठकर तू महफूज है तो गलत सोचता है। तू दुनिया में कहीं भी महफूज नहीं है। मैं तुझसे वादा करता हूं हफीज, तेरे वतन में घुसकर, तेरे शहर में घुसकर, तेरे घर में घुसकर मारूंगा मैं तुझे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मुझे। अपने दिन गिनना शुरू करते हफीज, इस दुनिया से रवाना होने का वक्त आ गया तेरा। कट कट कट। कहाँ है बेगम? एक्सक्यूज मी, रात भर घर के बाहर आप रहे हो, हम नहीं, इसलिए जरा संभल के जनाब। ये भी है, दरअसल कसूर हमारा नहीं है, हमारे काम का है। जब दुनिया सोती है तो आतंकी दुनिया जागती है। क्या हुआ, अब तक ऑफिस में हो? ऑल ओके? ऑल ओके हो भी सकता है, नहीं भी। मतलब इरफान सैयद, द ग्रेट फील्ड एजेंट फॉर रॉ, को एक एनालिस्ट की जरूरत पड़ गई। नाइस, आपकी जरूरत तो हमेशा रहती है, फिलहाल देश को आपकी जरूरत है। बातें करना तो कोई आपसे सीखे। I'll be there now. See you there. Come soon. Bye. Bye. Good morning, sir. No time for formality, sir. NSA director Ravi Ramanathan का फोन आया था, उन्हें जवाब चाहिए और जवाब हमारे पास है नहीं। बात क्या है सर? तुम तो अच्छी तरह जानती हो सारा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की रिलेशनशिप कितने टेंस थे, और अब ये ट्रेन वाली बॉम्बिंग के बाद कल ये हुआ। नंदनी, प्लेट फॉर हर। हफीज सलीम, अगर तू ये सोचता है कि पाकिस्तान में बैठकर तू महफूज है तो गलत सोचता है। तू दुनिया में कहीं भी महफूज नहीं है। मैं तुझसे वादा करता हूं हफीज, तेरे वतन में घुसकर, तेरे शहर में घुसकर, तेरे घर में घुसकर मारूंगा मैं तुझे, और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मुझे। अपने दिन गिनना शुरू करते हफीज, इस दुनिया से रवाना होने का वक्त आ गया तेरा। What is your opinion, sir? ये कोई क्रैंक कॉलर है, हैकर है, या फिर कोई जेन्युइन कॉलर है? जेन्युइन है सर। ये हम कैसे कह सकते हैं? टेलीविजन स्टूडियो के बॉर्डलाइन पर कॉल गया है, इसका मतलब ये है कि जिसने भी कॉल किया है उसने अपना नंबर हाइड किया है। ये आसान नहीं है, दीस कॉल्स जनरली गेट रिकॉर्डेड, स्पेशली तब जब हफीज सलीम गेस्ट हो। एंड ऑब्वियसली द वॉइस इज डिसगाइज्ड, सो उसने जरूर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिसगाइजिंग का इस्तेमाल किया है। एग्जैक्टली, और अगर उसने अपना फोन इस्तेमाल नहीं किया इसका मतलब ये है कि ये सब कंप्यूटर के जरिए हो रहा है। जिससे ये भी पता चलता है कि वो बहुत सारे अलग अलग VPNs का यूज़ कर रहा है, मल्टीपल VPNs यूज़ करने की वजह से वो IPs को भी हाइड कर रहा है और जियो पोजीशंस को भी। It's a professional job, sir, for sure. In that case, सारा, हमें सिर्फ ये पता लगाना होगा कि ये थ्रेट कितना रियल है, हम इस आदमी को सीरियसली लें या फिर ये कोई कंप्यूटर गीक है जो बेवजह हाफिज सलीम को अपसेट कर रहा है। I need voice recognition, sir. Then do it, सारा. Please, quick. PMO से प्रेशर है सारा. Do it. Yes, sir. Yeah. Nandri,
ये वीडियो क्लिप मेरे कंप्यूटर पे भेज दो। शमन हाफिज, अगर तू ये सोचता है कि पाकिस्तान में बैठकर तू महफूज है तो गलत सोचता है। योर ऑनर, अगर आप गौर करें तो अभी पिछले ही हफ्ते इसी अदालत में हमने एक गवाह पेश किया था जो कि आमिर शेख और इसके दो साथियों के। अर्जुन वशिष्ठ, तुम इस आतंक के दलदल में फिर से कैसे फंस गए? पूछोगे नहीं यहाँ क्यों आई हूँ? एक ही वजह होती है स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स से मिलने की, अपने सवालों के जवाब जानने। लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दो, इतनी देर क्यों लगा दी आने में? आई थिंक यू फॉरगेटिंग योर ट्रेनिंग। आई वॉज बीइंग थॉरो, वी डू थिंग्स डिफरेंटली नाउ यू सी। 15 सालों में रॉ काफी बदल चुका है, योर ओल्ड स्कूल टेक्निक्स आर नो लॉन्गर इफेक्टिव। तो यहीं खड़े रह के इंटरोगेट करोगी या अंदर आना पसंद करोगी? पूछ सकती हूँ, इतने सालों बाद ये पाकिस्तान टीवी वाली हरकत करने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम दिल्ली से यहाँ आई हो सवालों के जवाब ढूंढने, तो जवाब तो देने पड़ेंगे। ये बच्चे है नहीं तो रात कितनी लंबी लग रही है। ऐसा लगता है कि उनके शोर के बगैर सुबह होगी नहीं। वो संतोष, मैं इसे असंतोष बुलाता था। साला बड़ा ढीठ था, बहुत परेशान किया इसने मुझे। जी करता था साले को पंखे से लटका दूं। हमारे बच्चे इस देश में महफूज नहीं है सारा, बहुत बर्दाश्त करते हैं हमारे बच्चे। खून खराबा, गोलियां, बॉम्ब ब्लास्ट,
ऐसा माहौल बनाया हमने बच्चों के लिए, ये कौन सा आने वाले कल हम गिफ्ट दे रहे हैं इन बच्चों को? नो सर, जुल्म करना बुरा होता है लेकिन जुल्म बर्दाश्त करना और भी बुरा। हमारे बॉर्डर के उस साइड वाले सोचते कि हमारी चुप्पी में हमारी कमजोरी, बहुत चुप रह लिया, अब आवाज उठाने का वक्त है, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, इन मासूम बच्चों की सांस छीन ली उन्होंने, मैं उनके हलक में हाथ डाल के उनकी सांस छीन लूंगा। मैं तुम्हारे जज्बे को समझ सकती हूँ बॉस, लेकिन तुम्हारी आवाज कांप रही है, तुम्हारे कदम लड़कर आ रहे, दिन रात शराब के नशे में डूबे रहते हो और तुम कह रहे हो कि तुम्हें मिशन पे जाना है। What's wrong with you, boss? Your way of your game? No, I'm not. ये मत बोलो कि मैंने तुम्हें रॉ एजेंट बनाया है। तुम आज जो कुछ भी जानती हो मैंने सिखाया तुम्हें। Fine. तो देखते हैं कि तुम्हें तुम्हारे खुद के सिखाए हुए लेसन कितने याद हैं। याद है? अजीब बात है, आज स्टूडेंट टीचर की जगह पे खड़ा है। ऐसा ही कुछ समझ रही। देखते हैं कि तुम्हें इस गन को असेंबल करने में कितना वक्त लगता है। तुम्हारा प्रीवियस रिकॉर्ड 30 सेकंड्स का था। Why don't you up the game? लाइट ऑफ कर दो और 20 तक गिनो। सारा, और कितना भी नया हो जोश पर तजुर्बा हमेशा हावी रहेगा। Don't do this, boss. It's a suicide mission. तुम अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हो। जिंदगी मेरे साथ खेल रही है और मैं मौत के साथ खेल रहा हूं। दिल्ली मुंबई दिल्ली, वो भी एक रात में, जरूरी काम होगा। पाकिस्तान टेलीविजन वाली आवाज को पहचान लिया मैंने, बस उस आवाज को वार्न करने कही थी कि वो उस खेल में दखल ना दे। अर्जुन वशिष्ठ, तुम्हारा पुराना बॉस, एक्स रॉ एजेंट। दैट्स राइट सर। 15 साल पहले अर्जुन वशिष्ठ के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी दुनिया पूरी तरह से बिखर गई। उसके साथ क्या हुआ ये हम आज तक नहीं जानते, लेकिन उस हादसे ने रॉ के सबसे होनार एजेंट को पूरी तरह से तोड़ दिया। He got burnt and became an alcoholic. और आज ये है अर्जुन वशिष्ठ। He can't even stand straight. नाम के लिए उसके पास एक जॉब है, फिलहाल स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर की सिक्योरिटी डिटेल में है। But that's just a formality. वो वहां कोई खास काम नहीं करता। मैं कल रात अर्जुन से मिली थी। दिमाग अभी भी शार्प है पर कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। Physically he can't do anything, sir. Is that your final assessment? Yes, sir. He's old और शराब के नशे में उसने पाकिस्तान टीवी पे कॉल किया। Sara. इस एजेंसी में बतौर चीफ काम करते करते मैं एक बात जरूर सीखा हूं, कभी कभी एक कमजोर बूढ़ा सिपाही एक यंग एनर्जेटिक और ताकतवर कैडेट से ज्यादा डेंजरस होता है। जानती हो क्यों? क्योंकि यह खेल होश का है, जोश का नहीं। Anyways, till further notice, मैं चाहूंगा कि आप अर्जुन वशिष्ठ पे नजर रखें। Yes, sir.
We'll have to keep an eye on Arjun Vashisht. It's a waste of time. Arjun Vashisht ki dhamkiya usi ki tarah khokhli hai. We don't need to worry about it. प्रोसिक्यूशन की सारी आर्गुमेंट्स इस अदालत ने सुन ली है। तुम्हारी नस्ल क्या है? पुलिस, आर्मी, एरो? सच पूछो तो तुम्हारी और मेरी नस्ल एक ही है। फर्क सिर्फ ये है कि तुम मासूमों को डराते हो और मैं तुम जैसे डराने वालों को डराता हूं। अच्छा अच्छा, अब समझा। तो तुम अपने मुल्क, अपने हिंदुस्तान को मोहब्बत करने वालों में से हो? फिर तो हम बिल्कुल एक ही जैसे। तो मेरा सवाल यह है कि अगर हम एक जैसे हैं तो मैं यहां बंदा क्यों और ये पिस्तौल यहां क्या कर रही है? सवाल ये नहीं है, सवाल वो है जो तुमने उस दिन अदालत में उठाया था, मेरे देश की काबिलियत का। यूं समझ लो कि मैं उस सवाल का जवाब हूं। देश की काबिलियत? तुम्हारे पूरे देश के फौज को मैंने अपने घुटने पर ला दिया, तुम अकेले मेरा क्या उखाड़ लोगे? तुम्हें उखाड़ना तो बहुत आसान है आमिर, तुम्हारा एक पांव तो वैसे भी कब्र में लटका हुआ है। मैं तो हफीज सलीम को उखाड़ना चाहता हूँ इस दुनिया से। कितने सालों से तुम्हारे मुल्क के कितने गुनेगार सरहद के उस पार खुलेआम घूम रहे हैं, जा रहे हैं, और तुम्हारी हुकूमत कुछ नहीं कर पाई, तुम अकेले मेरा क्या कर लोगे? फिलहाल तो कुछ सवाल के जवाब पूछ लूंगा और उसके बाद जो करना है वो करूंगा। आमिर, इस बॉम्ब ब्लास्ट में तुम्हें पैसे किसने दिए? कहां से? तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे किसने ट्रांसफर किए? क्या नाम है उसका? तुम सवाल पूछोगे और मैं बड़े आसानी से जवाब दे दूंगा, ऐसे ही दे दोगे? मुझे यकीन है कि तुम मेरे सवाल का जवाब दे दोगे। तो बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किसने किए? सर वो क्या है ना, हमें दर्द को बर्दाश्त करने की और मौत का सामना करने की ट्रेनिंग दी गई है। तो आप मार लो या मार दो, तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें कहां दर्द पहुंचाना चाहता हूं? मैं तो वजीरिस्तान में बैठे तुम्हारे अब्बू और अम्मी को दर्द पहुंचाना चाहता हूं। तुम उन तक पहुंच ही नहीं पाओगे, समझे? मुझे कहां पहुंचना है,
मुझे तो तुम्हारा सर काट कर एक पैकेट में उसमें पहुंचाना है, ताकि वो भी देख ले उनके होनहार बेटे का सर। और उससे भी बेहतर, तुम्हारे सर के साथ एक बॉम्ब रख देता हूं, ताकि तुम्हारा सर देखने के बाद उन्हें दर्द में और जीना ना पड़े। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। यहाँ के अखबारों ने कहा वज्रिस्तान, इसलिए तुम भी कह रहे हो वज्रिस्तान। तुम जानते हो मैं किस गांव से हूं। अम्मी और अबू तक पहुंचने का दूर की बात है। हेलो खाला जान, मैं करीम बोल रहा हूँ, आमिर का दोस्त। आमिर ने ही नंबर दिया आपका। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। आमिर खैरियत से तो है ना? हाँ, यहाँ सब खैरियत है। दरअसल आमिर ने आपके लिए एक पैकेज भेजा है जो एक दो दिन में आप तक पहुँच जाएगा। वो पैकेज आप घर के अंदर ही खोलिएगा, घर के बाहर नहीं। कैसी पार्सल बेटा? वो लो, आ गया आमिर, उसी से पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आमिर, ये किस पार्सल की बात कर रहा है तुम्हारा दोस्त? आप वो भूल जाओ। आप एक काम कीजिए, आप चाची के यहाँ चले जाइए कुछ दिनों के लिए। पर क्यों? और तुम्हारा पार्सल आया तो? मम्मी जो कह रहा हूँ वो करो ना, सबको लेकर चाची के यहाँ चले जाओ। तुम परेशान क्यों लग रहे हो? मुझे चिंता हो रही है बेटा, वहाँ सब खैरियत तो है ना? जी अम्मी, सब खैरियत। तेरी जान ले लूंगा हिंदुस्तानी। तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे किसने ट्रांसफर किए आमिर? उसका नाम क्या है? जो चाहे करवा ले, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अपनी अम्मी और अपने अब्बू को मार डालेगा, उनके घर पे बॉम्ब भेजेगा, बॉम्ब भेजेगा, बॉम्ब। बोल उसका नाम, बता बता उसका नाम, बता, बोल। राशिद, राशिद अल मकरीबी नाम है उसका, दुबई में रहता है। तुझे जन्नत तो नसीब नहीं होगी आमिर, लेकिन अपने अब्बू और अम्मी को बचाने के लिए दोजख वाले शायद कम सख्ती बरतेंगे। कसूर तुझ जैसे कमीनों का है आमिर, कि सरहद के उस साइड और इस साइड माएं रो रही हैं। आमिर शेख को कल कोर्ट से जेल जाते वक्त किडनैप कर लिया गया है, और हमारे इंडियन एजेंट्स ये कंफर्म कर चुके हैं कि वो किसी ऑफिशियल मिशन का हिस्सा नहीं है। दिस वाज एन इंडिपेंडेंट मिशन। कोई है जो जिसमें ऐसा करने की हिम्मत और दिलेरी है? वो जिसने टीवी चैनल में फोन करके धमकी दी थी, पता करो वो बंदा है कौन।